अगेन आपका स्वागत है जी टाउन में फिर से। जैसा कि आपको पिछली बार भी आपने देखा होगा, हमारी वीडियोस हम अपडेट पे डालते रहते हैं। आज हमारे पास में मैजिक मूवमेंट वेराइटीज़ में 4 से 5 ब्रांड है, ठीक है, और उन वेरियंट उसके अंदर में अदर वेरियंट भी है। जैसे कि पहला वेरियंट हमारे पास में मैजिक मूवमेंट डोमेस्टिक लेवल में आपने सुना ही होगा। मैजिक मूवमेंट काफ़ी फेमस वेरियंट है, अपने आप में एक ऐसी वोडका है जो कि बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में ज़्यादातर बिकती है। तो जैसे कि मेरे साथ तरुण जी हैं, तरुण जी जी टाउन से ही है, और जैसे कि मैं चाहूँगा कि तरुण जी कुछ मैजिक मूवमेंट के बारे में बताएं। मतलब जैसे कि हमारे पास में हम मैजिक मूवमेंट देखना चाहते हैं, हमें ये मिलती है, ठीक है, बट बेसिकली इसके अंदर में जो ये एक लेमन जिंजर ग्रास फ्लेवर्ड है और एक ये ऑरेंज फ्लेवर्ड है, ठीक है, ये फ्लेवर्ड हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि तरुण जी थोड़ा सा इनको एलैबोरेट करें, इनके बारे में बताएं। तो तरुण जी ज़रा यहाँ से शुरू करके बिल्कुल बताएंगे जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैजिक मूवमेंट के अंदर 3 वैरायटी आती है, प्ले एंड फ्लेवर। तो आपको ये पता होगा कि प्लेन नॉर्मली आप यूज़ करके पी सकते हो, किसी फ्लेवर में आप इंक्लूड कर सकते हो इसको, क्योंकि प्लेन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी फ्लेवर में डालोगे उस फ्लेवर में आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपके फ्लेवर के अंदर लेमन ग्रास ऑरेंज आती है, उनमें आपको डिफरेंट ये मिलेगा कि इसके अंदर ये ऑलरेडी फ्लेवर होती है, उनमें आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। आपको केवल आइस और वाटर या जिसके साथ आप पीना चाहते हो उसके साथ डायरेक्ट इसको पी सकते हो, ठीक है। लेमन ग्रास का अंदर आपको लाइम का थोड़ा फ्लेवर आएगा एंड जिंजर का थोड़ा वो आएगा आपको फ्लेवर। एंड ऑरेंज के अंदर सेम ये क्या, ऑरेंज के नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर है, इसको आप डायरेक्टली आइस या वाटर के साथ भी डायरेक्ट पी सकते हो, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे मैजिक मूवमेंट हमारे पास जो ये प्लेन बोर्ड का है, इसके अंदर में हमारे पास चॉइस रहती है कि हम अदर ब्रांड भी इसके अंदर मिक्स कर सकते हैं, राइट। और इनके अंदर में ये ऑलरेडी फ्लेवर्ड बोर्ड का होती है, ठीक है, जिसके अंदर में आपको जैसे इस पर लिखा हुआ भी लेमन ग्रास जिंजर और दूसरी ये जो है आपकी ऑरेंज, ठीक है। तो तरुण जी ये तो चलो बेसिक से मतलब मॉड्यूल है हमारे पास में सेकेंड वेरियंट में, जो कि जैसा कि इसका हम नाम देख रहे हैं मैजिक मूवमेंट वर्क बोर्ड सुपर प्रीमियम सेकंड वेरायटी ऑफ मैजिक मूवमेंट यू कैन से। तरुण जी मैं चाहूँगा कि इनसे जो ये 1-2-3 मतलब जितने भी वेरियंट रखे हुए हैं इनके बारे में थोड़ा सा आप एलिबोरेट कर सकते हैं कि किस तरीके से ये मैजिक मूवमेंट वर्क बोर्ड का मैजिक मूवमेंट रेगुलरली से अपने आप को अलग बनाते हैं। बिल्कुल, जब हम आपको बताएंगे कि मैजिक मूवमेंट वर्क जो होती है वो 5 स्टेज के अंदर होती है, ओके, ये आपकी हिप के अंदर होती है। तो आपकी जैसे नॉर्मल जो भी ये होती है मैजिक मूवमेंट, ठीक से 5 स्टेज फिल्टर होने के बाद पे आपकी मैजिक मूवमेंट वैसी आपकी मेच्योर हो जाती है। तो इसके अंदर हमारे 3 वेरिएंट आते हैं, मैजिक मूवमेंट ग्रीन एप्पल, ओके, और एंड मैजिक मूवमेंट कैन वेरी टेस्ट। आपको ये वेरिएंट बहुत ही कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वेरिएंट हर जगह अवेलेबल नहीं होता। ये मैजिक मूवमेंट वर्क ने सेकेंड स्टेज पर अपना निकाला है, क्योंकि आपने देखा होगा कि बोर्ड का के अंदर वर्क फ्लेवर बहुत ही कम मिलता है, वही अपनाते हुए मैजिक मूवमेंट ने निकाला है और काफ़ी बेस्ट वो आपका वेरिएंट है इसके अंदर। आपने अगर मैजिक तो बट जरूर ये वाला फ्लेवर ट्राई करना आपको बेस्ट लगेगा। बेशक से ये बात सच है, क्योंकि मैंने भी अब तक काफ़ी आउटलेट्स विजिट किए हैं और कई वाइन शॉप्स में भी मैं गया हूँ। मैंने ज़्यादातर वहाँ पर मैजिक मूवमेंट या फ्लेवर टाइप के बोर्ड का देखा है, बट कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना कि मैजिक मूवमेंट के अंदर क्रैनबेरी का फ्लेवर भी आता है या ग्रीन एप्पल का इस वेरिएंट में मतलब बोर्ड का, ठीक है। तो चलिए ये तो रहा कि चलिए मैजिक मूवमेंट वर्क के अंदर एक फ्लेवर जो नॉर्मल होगी तो रेगुलर आती है, दूसरी आपकी एप्पल होगी, तीसरी आपकी क्रैनबेरी। बट जो लास्ट हाइड एंड सीक वाली खेल खेलते हुए जो बोर्ड का है वो मेरे लिए ये है। अरुण जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि जिस तरीके से इसकी बॉटलिंग है, डिज़ाइनिंग है, ऑलमोस्ट बाकी बोर्डकाओं से काफ़ी अलग दिखती है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आप इसके बारे में बिल्कुल इसके बारे में आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैजिक मूवमेंट डजन लुकिंग वाइज भी कितनी बेस्ट है, उसी हिसाब से ये बोर्ड का है। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये मैजिक मूवमेंट डजन आपने देखी 5 टाइम स्टेज है, नॉर्मल है, उनसे मिच्योर इसलिए है क्योंकि ये 7 स्टेज फिल्टरेड होती है और ये एक राइस बोर्ड का से मिला है। जैसे कि आपके लिखा हुआ इस पर 7 टाइम फिल्टरेड सिंगल ग्रेन राइस बोर्ड का, यही इस चीज़ को अपने आप से अलग बनाती है। मैं आपको दिखा दूँ कि इसके अंदर की बॉडी कैसी है। मैं भी चाहूँगा कि क्योंकि इस तरह की जो बोर्ड का है बेसिकली हमें हर एक वाइन शॉप में देखने को मिल सकती है, इसकी क्वालिटी क्वान्टिटी एंड विथ ऑल ऑफ दैम दिस बॉटल डिज़ाइनिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं कि वीड बोर्ड का ऐसी बहुत कम देखने को मिलती है। फॉरेन सेक्शन में भी और आती है, बट इंडियन सेक्शन में डोमेस्टिक लेवल पे ऐसी बोर्ड का बहुत कम देखने को मिलती है। सो गाइस दिस इज ऑल वी हैव ऑल वेरियंट्स इन मैजिक मूवमेंट। जैसा कि आप देख सकते हैं सारे वेरियंट जी टाउन पे अभी के अभी अवेलेबल हैं।
whenever you will visit over here, just let me us know about the flavor. और तरुण जी हमारे साथ हैं, कभी भी अगर आप आते हैं इनसे आप मिल सकते हैं, यहीं पे ये वर्किंग है. और इन वेरियंट्स के अंदर या फ्लेवर के अंदर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरीज या किसी भी तरह का कोई रिजोल्यूशन आता है तो आप इनसे मिल सकते हैं. गाइस, जैसे कि वीडियो में आप देख चुके हैं, तरुण जी से भी हमने बता दी है चीज़ों को, सारा सही तरीके से एलैबोरेट भी किया है सारे फ्लेवर के बारे में. सो किसी भी तरह की कोई भी इंक्वायरी या कोई भी रिजोल्यूशन या किसी तरह का कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तरुण जी से आकर पूछ भी सकते हैं. हमारे चैनल पर बेल आइकन का एक आइकन आता है, उसे बेल करके हमारी नई वीडियोस के बारे में अपडेट कर सकते हैं. और किसी भी तरीके की अगर आपकी इंक्वायरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके ज़रूर बताएं. और लोकेशन के रिगार्डिंग, प्राइस और ऑफर इन स्कीम के बारे में कुछ भी जानना हो कमेंट सेक्शन में क्लिक करके ज़रूर. दैट्स ऑल अबाउट टुडे इन जी टाउन माई शॉप.